हेलो दोस्तों, फैंस जिस फिल्म का इंतजार कर रहे थे थलापति विजय का फिल्म लियो, ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को सिनेमाघरों से बड़ा ही शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अपने पहले ही दिन कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम की है और आज बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पूरी तरह से कहर बरपा रही है। कई बड़ी फिल्मों को आज ये फिल्म पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के सबसे बड़ी ओपनर ये फिल्म बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, लियो फिल्म अपने पहले फास्ट डे के लिए टोटल कितनी एडवांस कर चुकी है, अपने वीकेंड के लिए टोटल कितनी एडवांस कर चुकी है और आज अपने फास्ट डे पर ये फिल्म का इंडिया के अंदर टोटल कितना कलेक्शन रहने वाला है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम पांचों भाषाओं में बात करेंगे। इसके अलावा फिल्म ओवरसीज से कितनी कमाई करने वाली है और कुल मिला के आज अपने फास्ट डे पर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना रहने वाला है, ये सब बारे में बात करेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी थलापति विजय को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें लियो फिल्म की तो हम आपको बता दें कि ये तमिल लैंग्वेज की फिल्म है और हम आपको बता दें इससे पहले 2.0 इससे पहले तमिल की सबसे बड़ी ओपनर थी। इसके अलावा जेलर, कवाली, बहुत सारी फिल्में जिन्होंने बड़े बड़े ओपनिंग की। लेकिन अगर हम तमिल लैंग्वेज की ओपनिंग की बात करें तो अभी तक लियो सबसे नंबर वन पर है। अपनी कमाई के मामले में लियो फिल्म ने बाकी अभी तक की तमिल फिल्मों को सभी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड की या इसके अलावा और किसी लैंग्वेज की बात करें तो उन फिल्मों को भी टक्कर दी है जो कि SS राजामौली की फिल्म है जो कि RRR बाहुबली 2। तो लियो फिल्म यहाँ पे जिस तरह से आज अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है वो बाकी काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बना है ये फिल्म जिसको प्रोड्यूस किया है SS ललित कुमार ने और फिल्म में हमें विजय के साथ तनिषा और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ का है। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें आज फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, अगर हम कुल मिला के आज फर्स्ट डे की ऑल लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में हम अगर टोटल एडवांस बुकिंग की बात करें तो दोस्तों इंडिया के अंदर लियो फिल्म ने सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया के सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग करने के लिए अपने फर्स्ट डे पर ये फिल्म सबसे नंबर वन पर आ चुकी है। जापान फिल्म ने 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग की थी और जापान फिल्म को भी ये फिल्म पीछे छोड़ दिया है। KGF चैप्टर 2 ने भी लगभग 38 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की थी अपने फर्स्ट डे के लिए। KGF चैप्टर 2 को भी लियो फिल्म पीछे छोड़ दिया है। तो हम आपको बता दें कि तमिल 2D क्लाइमैक्स, तमिल, तेलुगु और हिंदी, कन्नड़ और मलयालम सभी भाषाओं की अगर बात करें तो पूरे ऑल इंडिया में लियो फिल्म की जो आज फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग है वो हुई है लगभग 47 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, 47 करोड़ रुपए की अपने फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग की है और बॉलीवुड के और साउथ के तमाम बड़े रिकॉर्ड को इस फिल्म ने तोड़ दिया है। अगर हम बात करें आज फिल्म के फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो हम आपको बता दें कि आज पूरे इंडिया के अंदर ये फिल्म 85 करोड़ रुपए कमा रही है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सबसे तगड़ा कलेक्शन तमिल से रहने वाला है क्योंकि ये फिल्म तमिल लैंग्वेज का फिल्म है। लेकिन तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में फिल्म का आज पूरे इंडिया के अंदर 85 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो रहा है जिससे जवान शाहरुख खान की और यहाँ पे और बड़ी बड़ी फिल्में पीछे छोड़ रही है। तो 85 करोड़ रुपए इंडिया से आने वाली है। उसके अलावा ओवरसीज की अगर हम बात करें तो कम से कम 65 करोड़ रुपए ये फिल्म ओवरसीज से भी कमाने वाली है। तो फिल्म का जो कुल मिला के आज अपने ओपनिंग डे का ओपनिंग फर्स्ट डे का कलेक्शन है ऑल वाइड वो होने वाला है लगभग 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, अपने फर्स्ट डे पर लियो फिल्म का फर्स्ट डे का कलेक्शन रहने वाला है 150 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रहा है जो कि काबिले तारीफ है। दोस्तों, जल्दी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।